हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दुर्गा रेसिपीज में। आज मैं बनाने जा रही हूँ दो प्रकार के बेल और पापड़ी चाट। इसके लिए हमने लिए हैं 3 आलू, जो हमने हल्दी और नमक डालकर उबालकर छिलके हटा कर लिए हैं। गुड़ और इमली जो उबालकर हमने मीठी चटनी बना के लिए हैं। अमरूद लिए हैं। एक टमाटर और 2 अनियन बारीक चॉप करके लिया है। सिंगदाने, चने और रोस्टेड टिक्की दाल लिए हैं। मूंग दाल, रोस्टेड मूंग दाल लिया है और सेव लिए हैं लाल और पीले, और पापड़ी लिए हैं और 2 कप में मुरमुरे लिए हैं, जीरा पाउडर, हरी चटनी, काला नमक और स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सूखा बेल बनाने के लिए हम चटनी बना के ले लेंगे। तो चटनी के लिए हमने लिए है रोस्टेड दाल और 3 हरी मिर्च लिए हैं, और इसी में हम थोड़े से धने के पत्ते डालकर पीस कर ले लेंगे। थोड़े से हम काला नमक और स्वाद अनुसार नमक इसमें ऐड कर रहे हैं, और थोड़े से जीरा पाउडर। तो चलिए अभी हम इसे पीस कर ले लेंगे। सूखी चटनी हमने पीस लिए हैं, तो चटनी रेडी हो चुका है। तो अभी हम इसे बाउल में ट्रांसफर करेंगे। सूखी चटनी को हमने इस बाउल में ट्रांसफर कर लिए हैं। तो चलिए बेल बनाने की शुरुआत करते हैं। बेल बनाने के लिए हमने बाउल लिए हैं, तो अभी हम इसमें 1 कप मुरमुरे डाल रहे हैं। थोड़े से चने, पहले हम सूखी बेल बना रहे हैं तो चने डाले हैं, अभी सेंगदाने, मूंग दाल, टिक्की दाल, सेव, थोड़े से आलू इसमें ऐड कर रहे हैं। चॉप किए हुए थोड़े से ऑनियन, थोड़े से टमाटर, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच हमने जीरा पाउडर ऐड किए हैं, थोड़े से काला नमक और थोड़े से स्वाद अनुसार थोड़े से नमक ऐड किए हैं। पूरी हम इसमें थोड़े से तोड़फोड़ डाल ऐड करेंगे। हम इसमें ऐड कर रहे हैं सूखी चटनी। दो चम्मच हमने सूखी चटनी इसमें ऐड किए हैं और थोड़े से धनिया के पत्ते। तो अभी हम इसे अच्छे से मिक्स करके, तो हमें अच्छे से मिक्स करके ले लेना है। तो हमने अच्छे से मिक्स करके ले लिए है। तो सूखा बेल रेडी हो चुका है, तो अभी हम इसे प्लेट में डालेंगे। सूखा बेल रेडी हो चुका है, अभी इसे हम साइड में रख देंगे और गीला बेल अभी रेडी करेंगे।
तो सूखा बेल रेडी हो चुका है, तो अभी हम गीला बेल बनाएंगे। तो इसमें इसी बाउल में हम गीला बेल बना लेंगे। तो हमने इसमें मुरमुरे डाल दिए हैं, तो अभी हम इसमें चॉप किए ऑनियन ऐड कर रहे हैं, थोड़े से चॉप किए ऑनियन, थोड़े से चॉप किए टमाटर, चने, सिंगदाने, रोस्टेड मूंग दाल, रोस्टेड तीखी दाल, सेव, और बल कर लिए हुए आलू। तो हमने चॉप करके ले लिए थे थोड़े से। इसमें हम ऐड कर रहे हैं आधा चम्मच हरी चटनी। तो आधा चम्मच हमने हरी चटनी इसमें ऐड किए हैं, आधा चम्मच जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और थोड़े से काला नमक। इसमें ऐड कर रहे हैं इमली की, इमली और गुड़ की तीखी चटनी, और इसमें थोड़े से अनारदाने ऐड कर रहे हैं। तो इसे अच्छे से हम मिक्स करके ले लेंगे, और इसमें थोड़े से पापड़ी को भी हम इसमें तोड़ कर डाल देंगे। इसे अच्छे से हम मिक्स करके ले लेंगे। तो हमने अच्छे से मिक्स करके ले लिए हैं, तो थोड़े से हम इसमें धनिया के पत्ते ऐड कर रहे हैं। तो गीला बेल रेडी हो चुका है, तो अभी हम इसे प्लेट में हटा देंगे। गीला बेल रेडी हो चुका है, तो अभी हम बनाएंगे पापड़ी चाट। सूखा बेल और गीला बेल रेडी हो चुका है, तो अभी हम बना रहे हैं पापड़ी चाट। इसलिए हमने लिए है प्लेट, तो अभी हम पापड़ी चाट बनाएंगे। पापड़ी चाट बनाने के लिए हमने सेव के रेडी लिए थे। तो हमने आलू को कट करके लिए है पतले से, तो सभी पूरी में हमने आलू डाल के रख दिए हैं। तो अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं ग्रीन चटनी।
अगर ज़्यादा तीखा नहीं चाहिए तो आप ग्रीन हरी चटनी कम डाल सकते हैं, तो थोड़े से हम इसमें इमली की मीठी चटनी डाल रहे हैं। तो अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं टमाटर। हमने टमाटर ऐड कर दिए हैं, अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं चॉप किए हुए ऑनियन। तो अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं रोस्टेड दाल। रोस्टेड तीखी दाल भी ऐड कर दिए हैं, अभी हम ऐड कर रहे हैं मूंग दाल। तो अभी हम इस पर ऐड कर रहे हैं जीरा पाउडर। थोड़े से हम इस पर डाल रहे हैं काला नमक। थोड़े से सफ़ेद नमक स्वाद अनुसार थोड़े से हम इसमें ऐड कर रहे हैं। और सूखी चटनी, तो अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं आखिर में शेर। तो अभी हम आखिर में ऐड कर रहे हैं अनारदाने। तो पापड़ी चाट रेडी हो चुका है। खाने के लिए सूखी बेल, गीली बेल, शेवपुरी रेडी हो चुका है। खाने के लिए सूखी बेल, गीली बेल और शेवपुरी रेडी हो चुका है। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।